भूल भुलैया एक ऐसी फिल्म है जिसे चाह के भी आप भूल नहीं सकते, क्योंकि उस फिल्म में जो अक्षय कुमार का काम था, राजपाल यादव का काम था और सभी मेकर्स का काम था, वो काबिले तारीफ था। और उसी की सक्सेस के चलते भूल भुलैया 2 भी रिलीज की गई और अब फाइनली 2024 में आने वाली है भूल भुलैया 3। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस फिल्म से, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वॉचिंग अनकट। तो भैया बात इतनी सी है कि भूल भुलैया होने वाली है एक मल्टी स्टारर फिल्म, जिसमें आपको तृप्ति डिमरी दिखेगी इन द मेन लीड, साथ ही माधुरी दीक्षित दिखने वाली है इन द विलन्स रोल। और ये फिल्म होने वाला है विद्या बालन का कमबैक इन भूल भुलैया 3, जिसमें वो अपने मंजुलिका के रूप में वापस दिखेंगी। साथ ही इन तीनों लीडिंग लेडीज के साथ दिखेंगे हमें कार्तिक आर्यन, और ये बात तो अभी तक सभी जानते हैं। कार्तिक आर्यन को रिसेंटली हमने चंदू चैंपियन में देखा था और उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और वो लोग जो ये कहते थे कि कार्तिक आर्यन सिर्फ कॉमेडी करता है, उसे सिर्फ एक ही टाइप का एक्सप्रेशन देने आता है, उन सभी का उन्होंने मुंह बंद कर दिया था बाय डूइंग सच एन इंस्पायरिंग फिल्म। भूल भुलैया 3 की कहानी इस बार कुछ ज़्यादा अलग नहीं होने वाली है। दिस विल बी अ हॉरर कॉमेडी और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देखने में, कंसिडरिंग हाउ इसके पहले दोनों पार्ट जो बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी कार्तिक आर्यन किसी को बिना परेशान किए रह सकते हैं। जी हाँ, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 को इस दिवाली 2024 में रिलीज किया जाएगा। और दिवाली कब है? कब है दिवाली? दिवाली पड़ रही है 1 नवंबर और उस दिन फ्राइडे भी है, तो हो सकता है कि रोहित शेट्टी की फिल्म सिंगम अगेन और भूल भुलैया 3 का क्लैश हो जाए। अब भैया ये तो बहुत ही दुविधा वाली बात होने वाली है, क्योंकि दोनों ही फिल्म्स अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही फिल्म्स के जो एक्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के लीडिंग फेसेस हैं। तो आप कौन सी फिल्म देखने जाओगे ये तो मुझे फटाफट पहले बता दो। अगर इन दोनों फिल्म्स के जॉनर की बात करें तो इन दोनों ही फिल्म्स के जो जॉनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। जहाँ एक तरफ एक पूरी एक्शन फिल्म है, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्म देखने जा सकते हैं। और क्लैशेस की बात हो रही है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को वेदा स्त्री 2 साथ ही खेल खेल में एक साथ रिलीज की गई थी। इन तीनों के रिव्यूज हमारे पेज पर अवेलेबल है। आपने कौन सी फिल्म देखी इस इंडिपेंडेंस डे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और साथ ही आपको कौन सा वाला रिव्यू पसंद आया ये भी बताना। भूल भुलैया 3 का जो टीज़र है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अगेन इट्स गोइंग टू बी शॉट इन द सेम हवेली जिसमें भूल भुलैया 2 का शूट किया गया था। और इस बार कार्तिक आर्यन सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करेंगे बल्कि आत्माओं को अपने अंदर भी ले लेंगे। वेट, दैट साउंड सो रॉन्ग। जहां कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है कि ये फिल्म इस दिवाली 2024 को ही रिलीज होगी, वहीं सिंघम अगेन ने भी कुछ टाइम पहले ही अपनी रिलीज डेट अनाउंस करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये फिल्म या तो 1 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। तो भले ही इनकी डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हों, लेकिन क्लैश जो होने वाला है थिएटर्स में वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सिंघम अगेन में हमें अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 में यू विल बी वॉचिंग द लवली भाभी 2 तृप्ति डिमरी अलॉन्ग साइड विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। तो भैया कास्ट का तो बराबर का मुकाबला है, क्योंकि जहां एक तरफ एक पूरा कॉप यूनिवर्स है, वहीं दूसरी तरफ है एक हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा क्या भाएगा, और साथ ही अभी इनके गाने आना शुरू होंगे तो हम उससे भी थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सी फिल्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये तो हो गई भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 की बात, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 2024 में काफ़ी सारी फिल्म्स आने वाली हैं और आगे के लिए भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स पाइपलाइन में हैं। फॉर एग्जाम्पल जिगरा, जिसमें हमें आलिया भट्ट और वेदांग रायना दिखने वाले हैं, ये एक स्पाई थ्रिलर होने वाली है और इसे डायरेक्ट करेंगे वसंत बाला, जिन्होंने मोनिका ओ माई डार्लिंग से अपनी फेम गेन करी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनके काम को देखने के लिए। और भैया क्योंकि इसमें आलिया भट्ट है तो ऑब्वियसली ये फिल्म का हिट होना तो तय है। इसके पोस्टर से कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। देयरफॉर आई तो आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म। इसके बाद अक्षय कुमार, जिनके लिए चीज़ें कुछ टाइम से सही नहीं चल रही हैं, हो सकता है कि वो अपना कमबैक कर ले, क्योंकि उनकी फिल्म स्काई फोर्स भी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, लेकिन इसका जो टॉपिक है वो अगेन इंडिया और पाकिस्तान के अराउंड रिवॉल्व करेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज दैट इसे मैडॉक प्रोडक्शंस ही प्रोड्यूस करेगी। मैडॉक के लिए ये साल कितना लकी रहा है वो तो आपने स्त्री 2 की ओपनिंग से देख लिया होगा। साथ ही अगर मैडॉक का हाथ अक्षय कुमार पर है तो हो सकता है कि इन दोनों की पार्टनरशिप एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आए और स्काई फोर्स भी हमें वेदा की तरह थिएटर्स में सरप्राइज कर दे।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज बिलो और साथ ही अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।